मतदान होना है कल। बैतूल सीट पर भी दूसरे चरण में होना था चुनाव। बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग होगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये 6 सीटें जिन पर कल मतदान होना है, 6 की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी दल अपनी वोटों की बढ़त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा खासा तैयारियां कल के मतदान को लेकर भी की गई है। अब आपको एक बार फिर से ये जानकारी दे दें कि बैतूल सीट पर भी दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव है। बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद तीसरे चरण में अब वोटिंग होगी इस सीट पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखर, सबसे पहले बैतूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर चुनाव होना था और प्रत्याशी के निधन के बाद अब इसे तीसरे चरण में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, खजुराहो, अगर एक सीट को छोड़ दें खजुराहो, तो यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस के बीच की जो टक्कर है वो बेहद दिलचस्प हो जाती है। और खजुराहो को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वीडी शर्मा मैदान में है और सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए तो जिन सीटों का एनालाइज हम करते हैं तो दूसरे चरण में 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में अगर देख जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 6 सीटों का जो चुनाव है, अगर इसमें हम देखते हैं तो बैतूल जो एक ऐसी सीट थी जिसका दूसरे चरण में होना था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी की हार्ट अटैक से जो मौत हुई उसके बाद यह तीसरे चरण में चला गया। लेकिन ये दूसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि जिस प्रकार के समीकरण यहाँ पर बने हुए हैं बिल्कुल अलग तरीके के बयान होते हैं। अगर खजुराहो को देखा जाए तो ये जो है हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से बीडी शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में है। तो रीवा से लगातार 2 बार के सांसद जनार्दन इस बार अपनी किस्मत फिर आजमा रहे हैं, वो चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है वो सतना सीट का होगा क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो चला है। गणेश सिंह जो कि 4 बार के सांसद हैं, उन्हें यहां पर टिकट दिया गया है बीजेपी से। तो वहीं नारायण त्रिपाठी जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे और अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने बनाई और बीते विधानसभा में वो बिंद के अलग प्रदेश को बनाने को लेकर चुनावी मैदान में उतरे और मुहिका खाई। और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं वो सतना से टिकट के उम्मीदवार हैं। तो 3 जो त्रिकोणीय एक मुकाबला है वो यहां पर नजर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प अगर मुकाबला इसको कहा जाएगा दूसरे चरण में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 17 जो है जिस पर सबकी नजर जो है वो लगी हुई है। अगर टीकमगढ़ की बातचीत कर लेते हैं तो यहां पर टीकमगढ़ में जो वीरेंद्र खटीक है केंद्रीय मंत्री है वो अपने चुनावी मैदान में है। तो वहीं अगर देखा जाए तो होशंगाबाद की बातचीत की जाए तो होशंगाबाद भी एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी का गढ़ यहां पर माना जाता है। और यहां से जो किसान जो मध्य प्रदेश का जो बीजेपी किसान मोर्चा है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं 3 बार के जो विधायक रह चुके हैं, हालांकि पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ उन्हें मुंकी खानी पड़ी, तेंदुखेड़ा से विधायक जो पूर्व विधायक संजय शर्मा उन्हें चुनावी मैदान में। लेकिन अभी तक के जितने भी जमीनी स्तर के आप लोगों ने जो भी डाटा यहां पर दिया, दर्शकों को हमने हर एक अपडेट पहुंचाई। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई भी कई जगहों पर नजर आई है, लेकिन कई चुनौतियां भी है अभी फिलहाल बीजेपी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया शिखर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।